क्लास के लिए गई अपनी या फिर हॉकी खेलने गई होगी? हाँ, कहाँ है हमारे मोहल्ले की गुंडी, हमारी चक दे इंडिया। क्या हुआ माँ, कहाँ है पीयू? कुछ हुआ है बताइए ना, क्या हुआ है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? माँ, दादी, सपने टूटने का दर्द जानते हैं। अना भैया, आप कब आए? ठीक है, बैठ। बाहर क्यों नहीं आई? इतनी देर के आए हुए हम, आवाज भी लगाई थी। क्या हुआ? किताब में क्या देख रही है? तू कब से पढ़ाई में इतनी इंटरेस्टेड हो गई? मतलब तेरे हाथ में हमने कभी किताब नहीं देखी है, या तो मोबाइल देखा है या तो फिर हॉकी की स्टिक। क्या हुआ, सब ठीक है ना? बोलना, हमें नहीं बताएगी, अपने भाई को नहीं बताएगी? जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन है, हमें बता, हम है ना। बस कर रो ना, इतना नहीं रोते, बस कर, बस बस बस। बोले पानी पी वरना डिहाइड्रेट हो जाएगी। झट से पानी पी और फट से बता दी। हम और आप कितने लकी है ना कि हमारी लाइफ में कान्हा भैया जैसे अच्छे इंसान है, और प्रिया तो वैसे भी उन्हें बहुत मानती है। देखना, उनके कहने पर वो समझ जाएगी। और कान्हा भी तो किसी बड़े भाई की तरह ही उसे समझा रहा है, सिर्फ सिर्फ में अच्छे से हैंडल कर रहा है। पापा की याद आ गई रश्मि, वो भी तो ऐसे ही लड़ लड़ाया करते थे हमसे। हमारे मन में भी यही बात थी। अब हमें पीयू के पास जाने की जरूरत नहीं है, कान्हा उसे अच्छे से हैंडल कर लेगा। बता क्या हुआ। अब जितना भी जानते हो हमें कान्हा भैया, उसमें कभी लगा आपको कि हम बहुत ज्यादा डिमांडिंग है या फालतू के खर्चे करते? आपने कभी किसी चीज के लिए जिद करते हुए देखा है हमें कि हमें ये चाहिए ही चाहिए? आपको पता है, अपने सब दोस्तों में सबसे ज्यादा एडजस्टिंग, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हम है। हमारी सारी फ्रेंड्स के पास साइकिल थी और हम पैदल स्कूल जाते थे। 2 साल लग गए थे हमें साइकिल मिलने, लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं की। सब दोस्त फिल्म देखने जाते, हमने कभी उसके लिए भी नहीं कहा मम्मा से, ना कभी अपनी बर्थडे की ट्रीट के लिए पैसे मांगे और ना ही कभी दोस्तों की बर्थडे गिफ्ट के लिए, क्योंकि हम जानते हैं मम्मा ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती है। पापा के जाने के बाद मम्मा, दादी, दी सब लोग कैसे घर का खर्चा चला रहे वो हम जानते हैं। हम इस घर में सबसे छोटे हैं ना, इसलिए कोई हमें कुछ बताता नहीं, हमें वो भी पता है। लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है हमें। पर आज एक बात को लेकर ना बहुत हर्ट हुआ। हॉकी हमारा पैशन है कान्हा भैया, नेशनल लेवल पर स्पोर्ट को खेलना चाहते हैं, ये हमारा सपना है। और इस बात की किसी को कोई वैल्यू ही नहीं है। तभी तो हमारी इतनी जेन्युइन डिमांड को भी पूरा नहीं किया किसी ने। हमने क्या फेयरवेल पार्टी में पहनने के लिए कोई महंगी ड्रेस मांग दी थी, या स्कूल ट्रिप पे जाने के लिए खर्चा मांग लिया था जो मना कर दिया मम्मा ने? यही तो कहा था ना बस कि मैं हॉकी के ट्रेनिंग कैंप के लिए मुंबई जाना है। और वैसे कोई 1-2 लाख रुपए नहीं मांगे थे हमने,
सिर्फ 40,000 लगने थे। And I know, हमारे घर के लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अगर हमारे सपनों की कीमत के हिसाब से सोचे ना तो उतनी भी बड़ी नहीं है। कल जब हम बड़े हॉकी स्टार बन जाएंगे तब इससे कई ज्यादा पैसे कमा कर मम्मा को दे पाएंगे। फिर भी उन्होंने मना कर दिया, कहा फिर कभी चले जाते, ऐसे चांसेस क्या बार बार मिलते हैं लाइफ में। इस ट्रेनिंग कैंप की बात कर रही थी तू? आपने हमारा फॉर्म भर दिया, थैंक यू सो मच कान्हा भैया, हम मुंबई जा सकते हैं। जा सकते हैं लेकिन ऐसे रोते हुए नहीं, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू सो मच, अब बहुत अच्छे हो। बात कहें तुझसे, देख आज बात पैसों की थी और हमने संभाल ली, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कल सिचुएशन ऐसी हो कि हैंडल ही ना हो पाए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो पाए, तब तुझे ऐसा भी लग सकता है कि तुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसी बैड फीलिंग आ सकती है तुझे, और तब ये भी हो सकता है कि हम भी तेरे साथ ना हो, तेरी फैमिली तेरे साथ ना हो, मुझे लगेगा कि तेरे हाथ से सब कुछ छिन गया है। ऐसी सिचुएशन में तू बिल्कुल भी गिव अप मत करना, अपने सपनों को अपने पैशन को हमेशा जिंदा रखना। इस सपनों की तो सबसे अमेजिंग बात ही यही होती है कि वो अनब्रेकेबल होते हैं। लोग कितनी भी कोशिश कर लें आपके सपनों को आपसे छीन नहीं सकते। कुछ टाइम के लिए लोग आपके और आपके सपनों के बीच में आ सकते हैं लेकिन उन्हें मार नहीं सकते, उन्हें तोड़ नहीं सकते। फिर से लोगों पे अपना जादू चला, उन्हें सपने देखना सिखा। वही पुराना अलबेला बन जा खाना, डर लगता है तो लगने दे, नर्वस हो रहा है तो होने दे, लेकिन जो चीज को कर दिखाने की जिद है ना उसे मत छोड़, करना है तो मतलब करना है। तू भी शायद ग्रामर में हमारी तरह कमजोर थी, इसीलिए मैडम सयूरी ने जो बात हमें समझाई थी ना वो तो तुझे भी समझा देते हैं कि सपनों पे कॉमा लग सकता है, फुल स्टॉप नहीं लग सकता। समझ में आई बात? हाँ भैया, समझ में भी आई और हमेशा याद भी रखेंगे। थैंक यू सो मच। अब ट्रेनिंग से पहले की तैयारी शुरू कर, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, हम सबका नाम रोशन करना है। डन। चल फिर, चक दे आगरा। वो तो है।